एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास। जम्मू में 14 अलग अलग स्थानों पर सीबीआई का छापा। जम्मू कश्मीर में लेखा सहायक के पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई ने जम्मू और सांबा में 14 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि जेकेएएसबी द्वारा आयोजित लेखा सहायक भर्ती परीक्षा के कथित अनियमितताओं के संबंधों में तलाशी ली है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित हेरफेर के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह कहा है कि जेकेएसएसबी की पूर्व सदस्य नीलम खुजरिया ने परिसरों की भी तलाशी ली है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और सांबा सहित 14 स्थानों पर तलाशी की जाएगी। आयशा की वजह से आई शोएब सानिया के बीच दरार। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक और भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के तलाक की अटकटें तेज चल रही है। कई दिनों से दोनों के बीच तलाक की खबरें आ रही है। इसी बीच सानिया और शोएब की रिश्ते के तकली आने की वजह से पाकिस्तान के एक्ट्रेस के नाम जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावा किया है कि शोएब मलिक और आयशा उमर के बीच कथित अफेयर चल रहा है। लोग आयशा पर शोएब और सानिया की शादी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह से तमाम आरोप के बीच अब एक्ट्रेस अपनी तरफ से सफाई दी है। आयशा ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की है। एक न्यूज़ ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि आयशा से पूछा गया था कि क्या आप शोएब मलिक से शादी करने का प्लान बना रही है बस, पर इस पर आयशा ने लिखा था कि जी हाँ, बिल्कुल नहीं, इनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ बेहद खुश है। मैं उन दोनों के बीच नहीं आ सकती। शोएब और मैं एक दूसरे को अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।